नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ शिरीन। वक्त हो गया 50 अहम खबरों का, लेकिन उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच ट्रांसफर करने वाली जो मांग वाली याचिका थी उसे खारिज कर दिया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, सुशांत खुदकुशी मामले से जुड़ी हुई सीबीआई से कराने की मांग खारिज हो गई है। जांच सीबीआई से कराने की मांग जो की गई थी, जो याचिका दाखिल की गई थी, उसे खारिज कर दिया है कोर्ट ने। बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसे खारिज कर दिया गया। तो सुशांत आत्महत्या मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है, क्योंकि इसमें जो सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी उसे लेकर एक याचिका दाखिल की गई थी जिसे खारिज कर दिया है। पूरी खबर महेश गुप्ता हमारे सहयोगी जुड़ गए, वो बताएंगे। महेश, देखिए इस मामले में जैसे कि मुंबई पुलिस जांच कर रही है, लेकिन मुंबई पुलिस की तरफ से भी एफआईआर नहीं हुई है, जांच काफी लोगों से की जा चुकी है। उसके अलावा बिहार के अंदर तो बकायदा इस मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है, और कल जो इसके अंदर एक्यूजर है उसकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई थी, जो अभी सुनवाई के लिए लिस्ट नहीं हुई है, जिसमें मांग की गई थी कि एक ही घटना है, एक ही मामला है, तो अलग अलग राज्यों में, अलग अलग राज्यों के अंदर, अलग अलग राज्यों की पुलिस में मुकदमे दर्ज नहीं हो सकते, अलग अलग जांच नहीं हो सकती। इसलिए जो बिहार का मामला है वो भी जो है मुंबई ट्रांसफर किया जाए। उसके अलावा एक और ये मामला है कि जनहित याचिका के रूप में थर्ड पर्सन लेडी है, उसने फाइल किया था कि जो सुशांत बहुत अच्छे थे, वो बच्चों की बहुत मदद किया करते थे, और इसलिए मांग की गई उसके अंदर कि उनकी जो जांच है वो पुलिस से लेके सीबीआई को सौंपी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको अगर कुछ भी कहना है आप क्या कहें, हाईकोर्ट में जाइएगा, याचिका एंटरटेन करने से, सुनने से मना कर दिया, और साथ ही कहा कि पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस को अपना काम करने दीजिए। यानी कि ओवरऑल इस समय अगर चाहे सुशांत के घरवाले भी अगर आते और वो मांग करते सीबीआई की, तो सीबीआई की मांग पर सुप्रीम कोर्ट अभी हाँ नहीं करता, क्योंकि बिहार पुलिस जांच अभी शुरू ही नहीं हो पाई, जस्ट एफआईआर दर्ज हुई है अभी, उन्होंने नोटिस दिया है, पुलिस को बुलाया हुआ है, मुंबई पुलिस की जांच अभी चल रही है, तो सीबीआई का जाने का मामला भी जो है ठंडे बस्ते में चला है। ठीक है, शुक्रिया आपका महेश गुप्ता ये डिटेल इस बड़ी खबर पर हम तक पहुंचाने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहले पुलिस इस मामले में अपना काम कर रही है, तो उसे काम करने दिया जाए, और जो याचिका दाखिल की गई थी उसे फिलहाल खारिज कर दिया गया है। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।